नमस्ते भाइयों बहनों, बहुत दिन के बाद आज वापस आपके सामने आया हूँ। मैंने पहले भी कुछ माला जी के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए थे, आज दो एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आज बहुत खुश हूँ और मैं ये खुशी आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। एक मेरे पहचान में एक लड़का था, लड़का है एंड बेचारा एक 27-28 साल का है और 2 साल से वो जॉबलेस था एंड लिटरली उसने कम से कम ने तो 100 के करीब इंटरव्यूज आईटी सेक्टर में दिया होगा एंड काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था वो बच्चा। एंड तो रोज़ शाम को या हर 2 दिन में एक बार मैं रात को 10 बजे उसको लेके जाता था बाहर, हम लोग कुछ बैठते थे, कुछ खाते थे साथ में एंड चाय वाय कॉफ़ी वगैरह पी के आते थे और उसको उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, उसको इनक्रेज करता था। फिर एक दिन मैंने उसको अपने साथ लिया एंड मोहन नगर में एक हमारे टिंचवर मोहन नगर पूना में एक बालाजी का टेंपल है, काफ़ी अच्छा टेंपल है और कई लोगों को मैंने वहाँ पर भेजा भी है और उसका रिजल्ट भी मिला है। तो मैंने बोला वहाँ आप जाइए और दर्शन लीजिए और अपनी मन की इच्छा आप उनसे व्यक्त कीजिए। तो वो बच्चा गया उधर पे और वहाँ पर जाके दर्शन लेके आया और वैसे वो फैमिली इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, फिर भी मैंने बोला कि आप एक बार कोशिश तो कीजिए, 2 साल से आप अपना खुद कोशिश कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, ये भी करके देख लीजिए। तो आज उसका फ़ोन आया कि अंकल आप हैं क्या घर पे? मैंने कहा हूँ घर पे हूँ। तो फिर वो बच्चा मुझे से मिला, मिठाई लेके आया था और उसको जॉब लग गया और जॉब भी बहुत बढ़िया कंपनी में और बहुत अच्छे सैलरी पे उसको मिला, जो कि यदि उस साल भर उस सैलरी पे टिक गया तो वो उस खड़ा हो जाएगा बच्चा और बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मैंने फिर उसको बोला कि बेटा आप जाके बालाजी को दर्शन दे के आए? बोले हाँ मैं बिल्कुल दर्शन दे के आया, जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिला जॉब का मैंने जाके उनसे दर्शन लिया, धन्यवाद किया। तो ये एक बालाजी का ब्लेसिंग ही है एंड ये हमारे जो मोहन नगर में जो टेम्पल है वहाँ पर कई लोगों को भेजा और उनको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। और सिमिलरली मेरे एक नेबर हैं, वो बिजनेस में हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, उन पे इतना बुरा वक्त आया कि एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि अंकल ये मेरी कंपनी आज बैंक मुझे नॉन परफॉर्मिंग एसेट करके बंद करने वाली है और मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 लाख रुपए मुझे जमा करने पड़ेंगे तो ही मैं बच पाऊँगा, नहीं तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। और मैंने 25-30 साल इस कंपनी के पीछे लगाया। तो फिर हम लोगों ने मिलकर कुछ पैसे जमा करके वो बैंक को वो पैसे डाले और उसी दिन वो बहुत ही डिप्रेस्ड थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैं बोला चलिए अभी आप कहीं जा रहे हैं वो प्रोग्राम कैंसिल कीजिए, मेरे साथ चलिए। और उनको लेके गया मैं मोहन नगर में बालाजी मंदिर पे, वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने, वो भी ब्राह्मण आदमी हैं और काफ़ी विश्वास करते हैं ईश्वर पर, तो वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना करी, मैंने भी उनके लिए प्रार्थना करी एंड अभी आज सुबह ही वो मिले और बोले अंकल, मैंने कहा कैसा लग रहा है अभी? तो बोले अंकल मेरे थोड़े प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व हो गए हैं, पॉजिटिव है, जो भी फाइनेंस वगैरह का अरेंजमेंट करना था वो भी अरेंजमेंट हो गया और मैं बालाजी जाके अकेले ही वहाँ जाके तिरुपति में जाके दर्शन भी लेके आया हूँ और धन्यवाद करके आया हूँ और मैं अभी काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और मुझे बिजनेस भी ज़्यादा बढ़ के मिल रहा है। मैं कल आऊँगा आपसे मिलने के लिए और प्रसाद लेके आऊँगा बालाजी का। तो ये भी बहुत, और ये ऐसा सिचुएशन था कि ये कंपनी लॉक होने वाली थी बैंक के अंडर में एंड आज वो काफ़ी हद तक वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये अब कोइंसिडेंस बोलिए क्या, हर बार तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ऐसे कई लोगों को मैंने वहाँ पर गाइड किया हूँ और उस चीज़ का उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है
एंड यहाँ तक कि मैं ये बोलता हूँ कि एक बार बालाजी के यदि अपने को ब्लेसिंग मिल जाए तो जिनके पीछे हम भागते हैं ना वो हमारे पीछे भागने लगते हैं, इतनी उनके अंदर शक्ति है। और ये एक बार नहीं, कम से कम 85 बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये बालाजी ही कर सकते हैं। एंड बस ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था, छोटा सा वीडियो की तरफ। और आप लोग को मेरी तरफ से बहुत 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 ये नया साल का मेरा पहला वीडियो है, तो नया साल का शुभेच्छा। और भगवान करे आप लोग सब खुशहाल रहें और सबके प्रॉब्लम्स ईश्वर सॉल्व करें। धन्यवाद। जय साईं राम। जय बालाजी।